काइंड्स ऑफ सेट में से हमने डिस्कस किया था फाइनाइट और इनफाइनाइट को, उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था यूनियन ऑफ टू सेट्स को, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है, टू नहीं, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक सेट है, ठीक है ना, सेट का नाम क्या है, यू, सॉरी एक सेट यू है और एक ये, आपने क्या करना है, ये दो सेट है, ठीक है ना, आप मिसाल के तौर पर ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो ए के ऊपर हम सी लिखेंगे या ए के ऊपर हम इस तरह का कोई लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू डिफरेंस ए के बराबर होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर बी सेट है, बी का आपने कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है, बी का क्या निकालना है, कंप्लीमेंट, तो बी बराबर, बी कंप्लीमेंट बराबर होगा किसके, यू डिफरेंस बी के। अगर इसी तरह सी का आपने कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, यू डिफरेंस सी। अगर डी का निकालना है तो क्या आ जाएगा, यू डिफरेंस डी, यानी कि यूनिवर्सल सेट से उसी सेट का क्या निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर यू सेट है आपके पास, कोई यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मैंने लिया। अभी ए सेट में लेता हूँ, ए सेट इक्वल्स टू, ए को मैं क्या लेता हूँ, इवन नंबर का फर्स्ट फाइव, इवन नंबर का सेट में लेता हूँ, फर्स्ट फाइव इवन नंबर का क्या लेता हूँ मैं, सेट 2, 4, 6, 8 एंड 10, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच हो गए, ठीक है। अभी मुझे क्या मालूम करना है, ए कंप्लीमेंट मालूम करना है, ए कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो ए कंप्लीमेंट हम कैसे मालूम करते हैं, मैंने आप लोग बताया था कि जिस सेट का भी आपने कंप्लीमेंट निकालना है तो यू डिफरेंस उसी सेट के आ जाएगा, तो ए कंप्लीमेंट निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, यू डिफरेंस ए, ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू यू डिफरेंस ए, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट बराबर होगा किसके, ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू यू सेट, यू को सही करके लिखता हूँ, यू सेट। अभी यू सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, फिर डिफरेंस होगा किसके, उसी सेट से, तो ये सेट हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, इधर से कैंसिल, इधर से, ठीक है ना, फिर 6 इसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 8 इसी तरह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अभी हम क्या देखते हैं, इस तरफ जो रह गए वो क्या रह गए, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, और इस तरफ रह गया 10, ठीक है ना, इस तरफ वाले को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और इस तरफ वाला जो रहता है उसको लिखते हैं, तो ए कंप्लीमेंट बराबर होगा, ए कंप्लीमेंट इक्वल्स टू 1, फिर क्या है 3 है, ये 3, फिर 5, 7, 9, ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीमेंट। तो इस तरीके से हम कंप्लीमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो क्या है एग्जांपल, यू सेट इक्वल्स टू, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और बी सेट, ठीक है ना, बी सेट क्या है, 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये बी सेट है। अभी क्या करना है, इसका हमें कंप्लीमेंट निकालना है, तो बी कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, बी कंप्लीमेंट बराबर होगा किसके, यू डिफरेंस बी के बराबर होगा, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, बी कंप्लीमेंट इक्वल्स टू, अभी बी सेट को लिखेंगे, बी सेट में क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, फिर डिफरेंस है तो ये डिफरेंस आ गया, फिर बी, बी की जगह क्या लिखेंगे, बी सेट को लिखेंगे, बी सेट क्या है हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 9, अभी देखें 2 इधर भी है और इधर भी है, और इसके बाद 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, तो बाकी रह गए क्या, 7, 9 इस तरफ रह गए और इस तरफ रह गए क्या,
1, 4, 6, ठीक है ना। तो इस तरफ वाले को इग्नोर करेंगे और इस तरफ वाले को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जो बी कम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, फिर क्या है 4 है और 6 है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।